लेते हैं, जहां आमेर महल में विदेशी महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। आमेर महल की सुरंग में अर्जेंटीना के महिला से छेड़छाड़। विदेशी महिला ने लिखित में महल अधीक्षक को शिकायत की। महल की सुरंग में कुछ युवकों ने विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ की है। महिला पर्यटक ने युवाओं पर शरीर छूकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आमेर महल प्रशासन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। महल अधीक्षक ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ये पहला मामला नहीं है राजस्थान में विदेशी महिलाएं, क्योंकि पर्यटन के दृष्टि से राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है और अधिकतर इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी। हालांकि उसमें भी कार्रवाई चल रही है और एक बार फिर से इस तरह की शर्मनाक हरकत जयपुर में की गई है। महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है। विदेशी महिला अर्जेंटीना की बताई जा रही है और उसने आरोप भी लगाया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि उसने कहा है कि शरीर को छूकर उसके साथ इस तरह का गलत व्यवहार किया गया है। हालांकि जो महल अधीक्षक है उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई वो करेंगे। और आमेर महल में ये विदेशी महिला के साथ छेड़खानी की ये तस्वीरें आपके सामने सीसीटीवी फुटेज आ गया है, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। आमेर महल प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जुट गया है और महिला को आश्वासित भी किया गया है कि आप परेशान मत होइए, जो भी गलत हरकत उसके साथ करता हुआ पाया गया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता महिमा हमारे साथ जुड़ चुकी है। महिमा, एक बार फिर इस तरह से शर्मनाक हरकत एक विदेशी महिला के साथ। बिल्कुल, देखिए ये आमेर महल की ये घटना है और कल की ये घटना है जिस पर आमेर प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन पर्यटन विभाग को अब जो है सख्त कदम उठाने होंगे क्योंकि अब जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही अगर पर्यटक के साथ छेड़छाड़ होती रही तो राजस्थान के पर्यटक स्थलों की भी गरिमा जो है गिरती हुई हमें नजर दिखाई देती है। और वहीं जब पर्यटक ने आमेर प्रशासन को ये शिकायत दर्ज करवाई तो आमेर प्रशासन ने सख्त सख्त कार्रवाई की। अधीक्षक राकेश चोलक ने इस मामले को देखा और उसके बाद उन दोनों को भी जो है हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की कि ऐसा क्यों किया गया। और उसके बाद जो है ये मामला टैक्स के पास पहुंचाया गया और आमेर महल की ये जो घटना है और ऐसे ही सभी पर्यटक स्थलों पर हालांकि टैक्स के अधिकारी मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसी घटनाएं होती है तो ये पर्यटन विभाग के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर पर्यटकों की सुरक्षा का जिम्मा जब पर्यटन विभाग के हाथ में है तो ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिल रही है। तो ऐसे में सभी पर्यटक स्थलों पर अब जो है पाबंदी कर दी है, किसी भी पर्यटक के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी दुर्व्यवहार ना हो इसको सुनिश्चित किया जाए और हर जगह पुलिसकर्मी महिला कर्मी जो है तैनात पर्यटकों के लिए अब जो है किए जाएंगे। आमेर महल की घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब उम्मीद है कि आगे से जो है ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, और राजधानी में लगातार ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती रही है और अब आमेर की घटना के बाद जो है प्रशासन सजग हुआ है और टैक्स के कर्मियों को और महिला कर्मियों को सुरक्षा कर्मियों को खासतौर पर तैनात कर दिया गया और सीसीटीवी कैमराज भी जो है उनकी भी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। अगर ऐसी दुर्घटना कहीं देखी जाती है तो तुरंत वहां पर टैक्स कर्मी पहुंचकर उसकी सुरक्षा कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महिमा तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो इस हरकत के बाद से प्रशासन बिल्कुल एक्टिव अलर्ट मोड पर आ चुका है। महिला कांस्टेबल तैनात कर दी गई हैं। इस तरह की हरकत अगर दोबारा की जाएगी किसी भी नागरिक के द्वारा, विदेशी या किसी के साथ भी छेड़छाड़ की, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महल अधीक्षक ने आश्वासन दिया है। विदेशी महिला जो अर्जेंटीना की बताई जा रही है जिसके साथ ये शर्मनाक हरकत की गई है, उसे आश्वासित किया गया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं क्योंकि